स्वागत है दोस्तों आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल से के में। आज मैं आपको बताऊंगा कि सैमसंग गैलेक्सी A71 के बारे में, जो कि ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। लॉन्च अभी तक नहीं हुआ है दोस्तों, लेकिन अनाउंस हो चुका है और अनाउंस में इसने सारे स्पेसिफिकेशन बता दिए हैं, तो इसी के बारे में बात करेंगे। और साथ में दोस्तों A51 लॉन्च हुआ है, ठीक है, और अनाउंस और लॉन्च आप समझ गए होंगे। दोनों ही में कॉमन चीज़ क्या थी दोस्तों, क्वाड रियर कैमरा और 32 मेगापिक्सल की सेल्फी और पंच होल डिस्प्ले। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए बात करते हैं A71 के बारे में। तो इसके लॉन्च के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ये आने वाला है 2020 में इंडिया में, और वियतनाम में ये शायद कुछ दिन में आ सकता है। तो अपने को इंडिया से मतलब है, इंडिया में ये आने वाला है 2020 में, ये कन्फर्म मैं बता रहा हूँ। और इसमें आपको स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें अराउंड A71 में आपको 6.7 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिलने वाला है, साथ में वो भी सुपर एमोलेड इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले। तो इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले का मीन्स ये होता है होल है डिस्प्ले में तो आप समझ गएंगे। और इसमें आपको देखने को मिलेगा 2.2 GHz ऑक्टा कोर प्रोसेसर, कौन सा है, स्नैपड्रैगन 665G, जो कि लेटेस्ट गेमिंग प्रोसेसर है और वो भी 5G सपोर्टेड है दोस्तों, ये बात का ध्यान रखें। और इसमें आपको रैम्स कितने वाली, 2 वेरिएंट है, 6GB रैम, 8GB रैम और 128 इंटरनल स्टोरेज बस। और इसमें आप सपोर्ट मिलेगा। और इसमें कलर की बात करते हैं तो कलर है इसमें क्रस्ट ब्लैक, सिल्वर ब्लू और पिंक कलर। तो फोटो में आप यहाँ देख सकते हैं कलर्स, तो सीधा है ब्लू ब्लैक पिंक, यही तीन कलर है। ये कंपनी अलग अलग नाम रख कन्फ्यूज बस करती है। अब बात करते हैं कैमरा मॉड्यूल के बारे में, जो कि कमाल का बस होने वाला है। तो इसमें आपको मिलने वाला 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर विथ 5 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर, 5 मेगापिक्सल माइक्रो सेंसर और 12 मेगापिक्सल वाइड एंगल सेंसर। तो कैमरा सेम है दोस्तों जो A51 में था, बस एक चीज़ का सीन है, वहाँ 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर था और यहाँ 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर था। और बात करते हैं इसमें आपको मिलने वाला है दोस्तों 4500 mAh की बैटरी और साथ में 25 वाट का फास्ट चार्जर। तो ये A51 से अच्छा है क्योंकि उसमें बैटरी भी कम थी और चार्जर भी फास्ट नहीं था उतना, बस 15 वाट का था। तो यहाँ पे थोड़ा इम्प्रूवमेंट है तो मुझे अच्छा लगा देख के, और ये तरह वर्थ भी हो सकता है। और बात करें तो इसमें आपको ये अभी जो सैमसंग के सारे फ़ोन लॉन्च होने वाले हैं वो एंड्रॉयड 10 पे बेस्ड होंगे, और इसमें 1 UI 2.0 देखने को मिलेगा बस दोस्तों। और सब में टाइप सी तो मिलेगा ही, ये कोई पूछने की बात है नहीं, क्योंकि आप माइक्रो यूएसबी का ज़माना गया, ठीक है दोस्तों। और प्राइस इसकी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी A51 लॉन्च हुआ है कम से कम 26,000 तक में, तो ये 71 है दोस्तों, तो ये अराउंड 36,000 तक जा सकता है। मैं बस एक्सपेक्टेड प्राइस बता रहा हूँ क्योंकि इसमें सब कुछ बढ़िया दिया गया है, अगर ये 5G वेरिएंट में आ गया तब तो और बवाल हो जाएगा। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया हो आपको, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, और कुछ सुझाव या कमेंट हो तो ज़रूर मुझे सुझाव या कुछ भी हो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा।